हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और आज फिर मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अभी आज है सप्तमी और वैसे तो घर में उपवास सबका नहीं रहता है, बच्चे रहते हैं, हमारे एजेड जो सीनियर सिटीजन है जैसे मम्मी पापा दादा दादी ये सब भी रहते हैं, तो ये सब तो उपवास रखते नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा फुल फिलिंग एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पोहा इंस्टेंट ढोकला, जो खाने में तो इतना टेस्टी रहता है और बनने में भी बहुत जल्दी बन भी जाता है, माने हेजल फ्री है, प्लस है कि मैंने कोई ज़्यादा कुछ हमें यूज़ नहीं करना है और इतना सॉफ्ट रहता है बनने के बाद कि आप थोड़ी देर इसे रख भी दे और उसके बाद भी खाएं तो भी इसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है चावल, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिया है और 1 कप पोहा लिया है। जितना हमारी चावल की क्वांटिटी है उतनी हमें हाफ पोहे की क्वांटिटी रखनी है। तो यहाँ मैंने इसे ओवरनाइट भिगा लिया था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे दूसरे दिन बनाना है। अगर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, चावल को और पोहे को गर्म पानी में 2 से 3 घंटा भिगा दीजिए, चावल अच्छे से भीग जाएंगे तो फिर उसे आप ड्रेन आउट कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा पानी निकाल दिया, ये छन्नी में रख दिया है और फिर उसके बाद अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं 2 बैचेस में इसे पीसूंगी और पीसने के लिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें दही ऐड करनी है क्योंकि ये खट्टा मीठा ढोकला है जो इंस्टेंटली बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 कप चावल लिए हैं, 1 कप पोहा लिया है, तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही लिया है, तो क्योंकि हमें खटास भी चाहिए वैसी। अगर आपके पास घर की खट्टी दही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाहर की अमूल दही यूज़ करी है। तो यहाँ पे बस ये पिस गया है अच्छे से, इसका सॉफ्ट बैटर हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहला बैच जो है वो एकदम अच्छे से मैंने पीस लिया है और अब हम इसमें और दूसरा जो बैच है वो ऐड कर लेंगे और इसे भी हम ऐसे ही पीस लेंगे दही डालकर। तो बस यहाँ पे ये पूरा जो मिक्सचर है हमारा, बैटर जो है वो पूरा अच्छे से बन गया है और अब इसको ऐड इसमें हम सूजी करेंगे। तो सूजी यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऐड करी है क्योंकि ये इसका जो बेस है, इसकी जो बाइंडिंग है ढोकले की, वो इसे पोहा और चावल को अच्छी सी सूजी बाइंडिंग देगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी लिया है। तो बस सूजी को हमें इसे यहाँ पे ना 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसमें भीगने देना है कि सूजी अच्छे से फूल जाए और आप ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ऐसी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बैटर थोड़ा सा ज़्यादा पतला है इससे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी और सूजी आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे मैं 10 से 15 मिनट ढक के रख देती हूँ और 10 से 15 मिनट हो गए, 15 से ज़्यादा ही हो गया, 15 से 20 मिनट ही हो गया है मैंने इसे ढक के रखा था। तो बस अब ढोकला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उससे पहले मैंने इसमें ऐड कर लिया है अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है वो, साथ ही में नमक और उसके साथ हमने डाल दिया है इसमें चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऐड करी है क्योंकि ये खट्टा मीठा ढोकला बना रहे हैं तो वैसे ही हमें इसमें स्वाद देना पड़ेगा, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये अच्छा सा बैटर एकदम रेडी है और अब मैं इस बैटर को 2 हिस्सों में बांट लूंगी क्योंकि एक साथ इतना बैटर का ढोकला तो बन नहीं सकता है। तो मैंने अलग एक इसमें कटोरे में बैटर को निकाल लिया है और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये इनो है वो ऐड कर लेंगे। आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं पर बेकिंग सोडा से अच्छा इनो का बेटर ऑप्शन है। उसके बाद हमने इनो में क्या डाल दिया था, नींबू और साथ ही में तेल डाल दिया है कि तेल से क्या होता है ढोकले हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। तो बस अब इसे अच्छे से, इस बैटर को जो मिक्सचर है इसे अच्छे से मिलाना है, मिक्स कर लेना है और एक प्लेट ले लिया। एक प्लेट में यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है अच्छे से और वहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए कढ़ाई में जो स्टीमर है वो स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पे बैटर मैंने थाली में डाल दिया है और थोड़ा सा इसे टैप कर लिया है कि जो उसमें एयर है वो हट जाए और बस ये देखिए जुगाड़ू स्टीमर यहाँ पे एकदम रेडी है। वैसे मेरे पास स्टीमर है पर उसकी प्लेट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, इस वजह से मैंने ये जुगाड़ू स्टीमर है ये है इसमें आज कर रहे कि कढ़ाई में।
तो बस यहाँ पे ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा और ये आपने एग्जैक्ट 12 मिनट तक इसे एकदम फास्ट गैस में होने देना है, एकदम गैस स्लो नहीं, हाई फ्लेम में ही ये होगा। और 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, वैसे ही एकदम पूरा रेडी है। तो 2 मिनट के लिए और मैं रख देती हूँ, ऐसे एकदम क्लीन ही निकला है छुरी। तो बस यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और ढोकला भी एकदम रेडी है। तो बस यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और जो दूसरा बैच है उसे भी, ढोकले का जो दूसरा बैच है उसे भी स्टीम कर लेते हैं। बस यहाँ पे ये निकालने में मुझे इतनी परेशानी हो रही थी ना। तो ये हो गया और दूसरा बैच भी मैं स्टीम करने के लिए इसमें रख देती हूँ। तब तक पहले बैच को हम लोग तड़का दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है ढोकले का जो ढोकला है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसे काट लेते हैं। आप गरम गरम बिल्कुल भी मत काटिएगा, क्योंकि गरम गरम जब हम काटते हैं ना तो ये अच्छे से कटते भी नहीं है और छुरी में लग भी जाते हैं। तो थोड़ा सा इसे हमेशा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद ही इसके पीसेस करिए। तो बस यहाँ पे ये एकदम रेडी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से क्लीन निकल रहा है ये ढोकला। और उसके बाद यहाँ पे मैं तड़के की मैंने तैयारी कर ली है। तो तड़के के लिए यहाँ पे देना है हमें 2 टीस्पून तेल, कढ़ाई गर्म हो गई थी, साथ ही में उसमें राई डाल दिया है हमने, सरसों, काली सरसों, हींग। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को हमने बीच में से स्लिट कर दिया है। तो इन सबको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, साथ ही में इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। तो चीनी 3 टीस्पून मैंने दी है इसमें, 3 टीस्पून, और ये चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट होने देते हैं ये पानी में। ज्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये एकदम वो जो हम बेसन वाला ढोकला बनाते हैं एकदम नरम करने के लिए जो इसमें सीरा देते हैं वैसे नहीं, बस ये थोड़ा सा हल्का पानी डालना है। तो बस यहाँ पे क्योंकि पहले भी मैंने इसमें चीनी दिया हुआ है, तो बस ये इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर मसाले को। और यहाँ पे एकदम ढोकला, इंस्टेंट ढोकला है वो एकदम रेडी है। आप इसे गुड़ की और इमली की जो चटनी उसके साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसा घर में प्रेफर करते हैं खाना। और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं इसके ऊपर ऐड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये एकदम रेडी है। तो मैं अपने घर वालों को ये सर्व करती हूँ और आज सुबह का नाश्ता एकदम रेडी।